हाय, लेट्स मेक हेल्दी सूजी पैटी। सूजी पैटी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप सूजी, लेंगे यहाँ पे आधा कप दही, लूंगी यहाँ पे मैं टमाटर को छोटे छोटे चॉप करके, मैंने यहाँ के बीज निकाल लिए थे टमाटर के अंदर से। लेंगे 1 कप कॉर्न, कॉर्न को पहले मैंने बॉईल कर लिया था। लेंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च, यहाँ पे मैंने आधा शिमला मिर्च लिया है और शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके ले लिया है। ले लेंगे यहाँ पे प्याज, प्याज मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है और छोटे छोटे चॉप करके ले लिया। सभी को अच्छे से छोटे छोटे फाइन चॉप करके लेंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। ले लेंगे यहाँ पे हरी मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लेंगे चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेंगे यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला, चाट मसाले का तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सभी को डाल के अच्छे से हम पहले से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बड़े बाउल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे छोटा बाउल ले लिया था। और इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी, और पानी डाल के हम इसे 10 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद रख देंगे, क्योंकि हमारा सूजी है ना थोड़ा सा फूलेगा, और जितना हमारा ये फूलेगा उतना ही फ्लफी बन के तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी भी बनेगा। पानी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, 10 मिनट के लिए रख लिया था इसे, और आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद सूजी अच्छे से हमारा फूल चुका है और बैटर हमारा ना इससे ज़्यादा मोटा होगा ना ज़्यादा पतला। अब हम ले लेंगे पैन, मैं ये वाला पैन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो रेगुलर पैन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा बटर, और किसी भी शेप में आप इस तरीके से डाल के बना के तैयार कर सकते हैं। आज का मैं इस तरीके से बना रही हूँ, इवनली हम स्प्रेड कर लेंगे और 2 मिनट और एक तरफ कुक कर लेने के बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे, और आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और अगर आप इसे बटर से कुक करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये सॉल्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल से भी बना के तैयार कर सकते हैं, ऑप्शन आपको जो भी पसंद हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे बना के लीजिएगा। और दूसरी तरफ भी मैं 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही जल्दी मेरे चैनल में 2200 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और देखिए, दोनों तरफ अच्छे से इसे कुक कर लेने के बाद हमारा बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। इसे सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। आप इसे टमाटो केचप या फिर धनिया की चटनी किसी के साथ भी सर्व करके खाएंगे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।